और ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में गाड़ी शोरूम में काम करने वाले एक कर्मचारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में पंखे से लटका मिला है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि शोरूम में ही काम करने वाले कर्मचारियों ने पुराने विवाद पर उसकी हत्या कर शव को पंखे से लटकाया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और सुसाइड का केस भी मानकर चल रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। अबाड़ पूरे इलाके में रहने वाले लक्ष्मण शर्मा कंपू थाना क्षेत्र के शिवपुरी लिंक रोड पर बने एक कार कंपनी की एजेंसी में कर्मचारी थे। मृतक की पत्नी नीतू शर्मा ने शिकायत की है कि एजेंसी पर काम करने वाले कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था और उसकी पत्नी शिकायत करने थाने भी गई थी। जब लौटकर वापस एजेंसी पर पहुंची तो उसके पति का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। ये हुई थी, बगल में नशीम खान रहता है, काफ़ी दिनों से उससे झगड़ा चलता रहता है, किसी न किसी चीज़ के लिए वो मुझसे लड़ता रहता था। और खासकर उसकी जो लड़कियां हैं ना, वो मुझे कमेंट करती थी, उल्टे सीधे काम कर रही हैं, मेरे कपड़े काट रही हैं, मुझे परेशान किया जा रहा है हर तरीके से। सर मैं किससे कहने आती, कल ये हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, उसकी लड़की मेरे से बदतमीजी की थी सर। तो मैंने उससे यही बोला कि ये नसीम भाई से यही बोला था कि ये मेरे से ऐसे बदतमीजी करती, इसको समझाओ। मेरे बच्चे से भी उसको प्रॉब्लम थी, मैंने बोला मेरा बेटा तो आपसे कभी बदतमीजी नहीं करता, कभी गलत नहीं बोलता आपसे। एक शिवपुरी लिंक रोड पर होंडा एजेंसी में काम करने वाले लक्ष्मण ने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली है। इसके परिजनों की बात यथानुसार सुनी जा रही, यदि संभव जो भी तथ्य आएंगे उनकी जाँच की जा रही, वो तथ्यात्मक कार्रवाई की जाए। लक्ष्मण है ये, होंडा एजेंसी शिवपुरी लिंक रोड पर। जो भी तथ्य हैं उनको पूरा संज्ञान में लिया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और अभी प्रकरण जांच में है, जांच के बाद ही वैधानिक कार्रवाई।